बीजेपी विधायक पिछले 4 साल से लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, जिसमें वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निराकरण भी करते हैं। बीजेपी विधायक ने जनता दरबार के बारे में बताया कि जनता की समस्याओं का समाधान करना ही हमारा और हमारी पार्टी का उद्देश्य है। देवसर से बीजेपी विधायक सुभाष रामचरित वर्मा का जनता का दरबार चर्चा में है। बीजेपी विधायक वर्मा पिछले 4 सालों से जनता का दरबार लगा रहे हैं। विधायक वर्मा का कहना है कि देवसर की जनता ने हमें जिताकर अपनी सेवा करने का मौका दिया है। मेरा और मेरी पार्टी का उद्देश्य यही है कि हम जनता के विश्वास पर खरे उतरे। जनता दरबार में सिर्फ हमारे क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र की जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर आती है। उनकी समस्याओं का यहाँ हम समाधान करते हैं। जनता की चाहे कोई भी पारिवारिक समस्या हो या प्रशासनिक समस्या हो, सभी का समाधान करने का हम प्रयास करते हैं। जनता दरबार में जनता ने मुझे मौका दिया, अवसर दिया है जनता की सेवा करने के लिए। पार्टी ने जिस तरह मुझे विश्वास जताया, पार्टी ने विधायक दायित्व में टिकट मिला, पार्टी ने जनता जनता को विश्वास देकर हमको जिताकर विधायक बनाया। मेरा तो काम है ये सब, मैं तो प्रतिदिन, आज तो हम लगता है 4 साल से ऊपर हमारे हो गए विधानसभा के विधायक बनते। आज भी जनता के प्रति जो भाव है, मन का विचार है, प्रतिदिन छोटी छोटी थोड़ी बहुत समस्याएं रहती है और समाधान करना मेरा मन का, मेरे मन में भी शांति मिलती है। मैं तो तत्काल सेवा देता हूँ, तत्काल समाधान करने की कोशिश करता हूँ। और दूर से जनता मिलने के लिए आती है, कुछ उनकी परेशानियाँ रहती है, कहीं प्रशासनिक परेशानियाँ हो, कहीं व्यवस्थाओं में कहीं परेशानियाँ हैं, कोई भाई परिवार बाद में कुछ विषय निकल कर आते हैं, आपस की लड़ाइयों को ठीक नहीं कर पाते, उनको भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन के अधिकारियों से बात करके उनको समाधान करने की कोशिश पूर्ण रूप से करते हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।